तुम्हारे दिमाग में गुस्सा है बचपन से कि मेरा दुर्योग चल रहा है। बचपन से पढ़ाई पढ़ने गया तो मास्टर पिटा, भगा दी भगा दिया, नहीं पढ़ पाए। नौकरी की तो 10 नौकरी चेंज हो गया। शादी किया तो बुढ़िया भाग गई, जितना पैसा कमाए रहा नहीं। बाप मर गया, जिंदगी में मेरे पास कोई है नहीं, अकेले हूँ, खाने के लिए लाले पड़े हैं। एक नौकरी जाते हैं दूसरा नौकरी नहीं मिलता है। जिंदगी में दुश्मन बहुत हैं, शत्रु चल रहा है, और जितना सारा तंत्र मंत्र जंतर मेरे ही ऊपर, आँख में पावर नहीं है, जवानी में बुढ़ापा का चश्मा पहने हैं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए आशा करके बैठे हैं, ISOS और क्या क्या बोला तुम, सरकारी नौकरी मिल जाए, पुलिस चपरासी भी मिल जाए, मतलब सपना धीरे धीरे छोटे होते जा रहा है। कल तक बड़ा सपना देखा होगा, ISOS, IPS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लास्ट में पुलिस, ठुलिया पुलिस, धीरे धीरे वो भी मर जाएगा। फिर बोलोगे किसी एक टू चाय दुकाने आमी चाय बेचबो, ठीक है, चाय बिकते होबे आर की करबो, हतार जन होबे ना तो मुड़ी और झालमुड़ी बिकबो, इसी को दुर्भाग्य कह रहे हो। अब्राहम लिंकन से बड़ा किसी का दुर्भाग्य हो सकता है क्या? अब्राहम लिंकन जैसे आदमी, सुने हो कौन था, कहाँ का, कितना बार फेल हुआ जिंदगी में, उसका हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री पढ़ो ना, उससे ज्यादा दुर्भाग्य है क्या? उसका पास तो घर भी नहीं था लास्ट में। उसका जो किताब है व्हाइट हॉट हाउस टू ए व्हाइट हाउस, जितना शादी हुआ सब भाग्य, ब्रेड बटर तक का भी नहीं था, भूखे रहना भी पड़ा है, फुटपाथ में भी रहना पड़ा, रास्ता में सोना पड़ा, राष्ट्रपति बन गया। तो क्या कहेंगे उसका जिंदगी को? वही तो कुंडली है। जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम बचपन से लेके करीब 40-50 साल जो भी है, भिखारी से भी बदतर जिंदगी था। और जितना तुम जो जो स्टोरी बता रहे हो उससे हजार गुना, और फिर राष्ट्रपति बन गया लास्ट, आखिरी में गोली खा के शायद मरा। अब तो गोली खा, मेरा क्या होगा कालिया, गोली खा। तो क्या कहना चाहते, क्या तुम्हारे जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है? लेकिन अब्राहम लिंकन क्या किया है, जिंदगी भर दौड़ लगाया है, फाइट किया है, स्ट्रगल किया है। तुम किए हो, तुम जिस लेवल पे करना चाहिए किए हो। तुम जब हाँ बोल दिए तो तुम उसी समय हार गए। तुम्हारे कैपेसिटी से ज्यादा या तुम्हारे कैपेसिटी से कम, दूसरा है स्मार्ट वर्क किए हो या हार्ड वर्क किए हो। हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं किए। तुम प्यारे मकरूर अपने रोजी रोटी कमाई नौकरी के पीछे दौड़े हो, तुम थोड़ा सोच के देखो ना, आंख चारों तरफ खोल के देखो, हजार नहीं लाखों लाखों बेकार बैठे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में जाओगे तो बेकार बेरोजगारों का ताता लगा हुआ है, कीड़ा जैसे पड़े हुए। कभी दिमाग में नहीं आता कि उनको कैसे स्वावलंबन करें, उनको कैसे रोजगारक्षम करें, उनको कैसे यूटिलाइज करें। तुम सोच रहे हो कि मैं अकेले बढ़ूंगा, अकेले जीत जाऊंगा, शनि मेरे ऊपर खुश होगा। शनि माने पब्लिक, शनि माने जनता, शनि माने नेचर। अगर तेरे पास भेजा होता तो तुम क्या करते? जितने बेकार बेरोजगार हैं, जब तुम उनके लिए सोचने लगोगे, उनको नौकरी देने के लिए लगोगे, उनको रोजगार देने लगोगे, उनको स्वावलंबन करने लगोगे, उनको अपने पैर में खड़ा करने का कोशिश करोगे, तो तुम खुद खड़े हो सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास तो रास्ता नहीं है। मेरे पास तो खुद का खाने के लिए रोटी वोटी नहीं है, आप बोलते हो समाज का कल्याण करो। इसीलिए तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, हार्ड डिस्क लो और वेब सर्वर यहाँ बैठे हैं वही ध्यान देने। लेकिन हम दे सकते हैं, तुम कर सकते हो। राहु के पास बुद्धि है, प्रचंड टेक्नोलॉजी है, कर नहीं सकता क्योंकि शरीर नहीं है। केतु के पास बहुत शक्ति है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि बुद्धि नहीं है। दोनों अधूरे हैं, दोनों को मिलना पड़ेगा।
मैं आदेश दिया तुम कर। सिंपल सा बात है, सोचो आज अगर तुम्हारे पास एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो जाता और तुम्हारे पास प्रारंभिक क्षेत्र में 1000 सपोर्ट सर्विस, धीरे धीरे 10,000, 1,00,000, 10,00,000 तक बेकार बेरोजगार बच्चों का लिस्ट, और उनको एक एक महीना का बेसिक ट्रेनिंग कैंप देना चालू करो। आज क्यों तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? सोचो तुम्हारे चंद्रमा से तुम्हारे लग्न से लाभ घर का बृहस्पति, और लाभ घर का बृहस्पति जानते हो? मेरा स्टोरी सुने हो मेरे यूट्यूब में? बृहस्पति का एकादश बृहस्पति का स्टोरी नहीं सुने हो? अभी 2-3 दिन पहले वो वीडियो बनाया था। अच्छा। जब कांग्रेस के पास 55 सीट था इंदिरा जी के समय, रेड्डी जी बोल के हुए राष्ट्रपति, देख लेना नेट में। अच्छा। तो सबको ही बोला कि कांग्रेस के पास सीट नहीं है, तो रेड्डी भी ऐसे ही घूम रहे थे, क्या होगा हम लोग तो हार गए। तो उनका गुरु हमारे ओडिशा में थे उस समय, बहुत पुराना स्टोरी है, रेड्डी जी का मतलब 65-70-80 का स्टोरी है। तो बोले क्या करें, इधर यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? बोले कहाँ घूम रहा हूँ, हमारा तो अमानत हारा हुआ है, कांग्रेस के पास पावर नहीं है, हमको क्या करना है, 55 सीट लेके विरोधी होके बैठे हैं। तो उनका गुरु था हमारे ओडिशा का, देखो सुना सुनाया बात है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये किंवदंती है हमारा ओडिशा का, अस्क्लोजर का ताकत। बोला भाग भाग भाग, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फाइल कर। तो रेड्डी साहब बोले पंडित जी गंजा उंजा मार लियो, सुबह सुबह भांग घोट के पी लियो, हम राष्ट्रपति कैसे बनेंगे? बोला आज तक मेरा कोई बात तुम्हारा झूठ हुआ है क्या? कल सुबह मेरा, शाम को मेरा बेटी पूछी कि मैं कितना परसेंट लाऊंगी और पास होंगी कि फेल होंगी, कल रिजल्ट निकल रहा है, मेरे घर में जाके पूछ देना। शाम का टाइम कुंडली देखा, गोचर देखा, 70% लाओगे पास हो गए, 70.1 भी नहीं लाई है, 70 लाई है। प्रेडिक्शन खुश, तो ऐसे ही वो पंडित थे, तो राष्ट्रपति तू ही बनेगा और कोई नहीं है पूरा विश्व में, भारत में कोई नहीं। बोला हाँ आज तक तो जो बोला है सब हुआ है, ये भी होगा, पहुंच गया इंदिरा जी के पास, खड़ा हो गया। इंदिरा जी बोले क्या हुआ? बोले राष्ट्रपति लड़ना है। तो इंदिरा जी बोले पागल हो गए हो? अच्छा पॉलिटिकल आदमी, कूटनीति आदमी, अंदर से बोल रहा है बढ़िया है, जब भी वो मुर्गा तो ढूंढ रहा था बकरा हलाल करने के लिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति कैंडिडेट नहीं देगा तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो बोले इंदिरा गांधी पागल हो गए हो, बांग घोट के पी गए हो, गंजा पिए हो, 55 सीट है हमारे पास, राष्ट्रपति लड़ने का सपना देख रहे हो, भगो यहां से। तो नहीं नहीं हम लड़ेंगे। तो बोले इंदिरा जी मन ही मन थोड़ा सा नौटंकी करके बोले ठीक है जाओ, गया नॉमिनेशन कर दिया, रिजल्ट निकला, कौन जीता? कौन जीता? रेड्डी साहब, एकादश बृहस्पति। एक प्लैनेट एकादश में अगर बैठ जाए ना आदमी, जिंदगी कितना बुरा प्लैनेट भी बैठ जाए ना तो अच्छा फल करता है। और तुम्हारे पास तो गुरु बृहस्पति जैसे प्लैनेट एकादश में वर्गोत्तमी मित्र ग्रही और क्या चाहिए? फिर वो क्या है, गोली मारो, क्या है गोली मारो? एकादश में तो शत्रु भी अच्छा करेगा। हाँ ये जरूर है, व्याधिपति है तो उत्तरोत्तर बलिक्रम सर्व इच्छा सिद्धि, तो व्यय को भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। व्यय कब कराएगा बाबू? पैसा देगा तब तो व्यय कराएगा। तो तेरे जैसे आदमी कैसे रहेंगे? बदान्य ले लो गुरु जी, और चाहिए तो ले लो गुरु जी, लेकिन तुम तो पागल जैसे पत्थर पहन के पहने हो। एक दूसरा ये, शनि बाबा दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में बोल रहे हैं कि ददामि एकादशम फलम चाष्ट वर्गे च विषम स्थान संस्थिते, मैं कहीं भी बैठा रहूं मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। कब? जब तुम दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र के अनुसार जी लोगे और समझ जाओ। पंडित पानी पकड़ता है और आशीर्वचन देता है, मैं आदमी को
सब सर्व नवग्रह एकदस्ता फलदा भवंतु बोलता है कि मैं पंडित तेरा पूजा पाठ तेरा दक्षिणा लेने के बाद दान दक्षिणा लेने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ। जैसे नौ पंडित एक साथ खड़ा होते हैं, बोलते कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, मुझे जाना आना नहीं है। आई माई सर बृहस्पति पंडित ब्राह्मण, तुम्हें पानी पकड़ा उठाया और मेरे सारे पुण्य बल के आधार पर तुम्हें आशीर्वाद दिया। एकादशा फलदा भवंतु, सारे ग्रह तुमको एकादश का फल दें। कौन बोलता है? हर हर जगह में स्वस्ति वाचन से लेके पुण्य वाचन तक एकादशा फलदा भवंतु। पुण्याहम पुण्याहम विवस्तु विज्ञापयाम उच्चतम गो ब्राह्मणे भूर्वम भूतु राज्ञापजनाम शांतिर्भवतु अस्य देश 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 कलायाम अमुक शांति करिया थे सर्व नवग्रह एकादशा। ये देखो ये मंत्र आ गया कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, पुण्य वाचन कर रहा हूँ और मुझे सारे ग्रह कहीं भी हो एकादश का फल दो। प्रार्थना है तुम्हारा एकादश का बृहस्पति है, राष्ट्रपति वाला एनर्जी है, मित्र गृही है, वर्गोत्तमी है और तुम कुत्ता हरामी चुतिया क्या बोल रहे हो? पुलिस का नौकरी करेंगे तो तुमसे बड़ा महान बेवकूफ और कौन हो सकता है? बुझते पारी बगले दादा डिमेर भजार झोल माचेर भजार झोल बुझते पारी ना ना बुझते पारी हाँ तो बोल बे बांग्ला बोल बे हमें बुझती पारी बांग्ला गदानंद सरस्वती। लेकिन जो जितना अच्छा फल देता है कभी कभार उतना बुरा फल भी देता है, इसलिए तो बोला मृत्युंजय का भी जाप करो। तो ये कब पॉसिबल है? अरे गदानंद ये गुरु देगा कब? अच्छा गुरु का महादशा आने से बैठे रहो जब आएगा देगा, या फिर तुम उस गुरु के घर को एक्टिवेट करोगे। कैसे करोगे? गीता में श्री कृष्ण भगवान लोक संग्रह में बापी संपस्यन कर तुम अर्हसी, जो दूसरे के लिए करता है उसके लिए ईश्वर करते हैं, जो अपने लिए सोचता है वो अपने में ही सिमट जाता है, कभी विकास नहीं कर पाता है। ठीक है तो लोगों को बृहस्पति माने ज्ञान देना, कौन से ज्ञान दोगे उसको देखो। तो तुम्हारा पंचम पंचमाधिपति को चला जाओ तो उसके अनुसार तुम देखोगे क्या बोल रहा है। गरीब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास जाओगे, छोटा छोटा पर्ची बनाओ इतना बड़ा बड़ा, हमारे पास प्राइवेट जॉब करने के लिए लड़का का आवश्यकता है, एक महीना का ट्रेनिंग देंगे, सफल पास हो जाओगे तो आपको नौकरी देने का कोशिश करेंगे। ईमानदारी शब्द लिखो, छोटे छोटे जेरोक्स बना लो, बांटो, फोन नंबर लिख लो, उनको समझाओ, 100 गांव चले जाओ, ज़्यादा नहीं 100 गांव, जितने युवक हैं घर घर में छोटा छोटा पर्ची, खर्चा होगा 500 से 1000 रुपया, रेमेडी समझो, होगा नहीं होगा बात का बात है, इट इज़ योर रेमेडी। अच्छा मैं किसी को कृषि का रेमेडी देता हूँ नहीं कहता हूँ कि जाके खेती करो, एज ए एग्रीकल्चरल रेमेडी। ऐसे ही गुरु बृहस्पति को एक्टिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? गांव में जाके छोटा छोटा प्रशिक्षण शिविर के लिए रेमेडी। तुम हम कौन सा प्रशिक्षण दे दो? स्वावलंबन, स्किल डेवलपमेंट, मेरे पास तो ऐसा कुछ तो है, मैं हूँ। अच्छा तुमको काहे चिंता करना? अच्छा तुमको काहे चिंता करना? अच्छा 1000 बच्चे अगर आएंगे और हर एक बच्चा से अगर आज के डेट में 1000 रुपया कोई नहीं दे सकता, उसका नौकरी का मैटर है, 1000 1000 रुपया लेते हो तो 1000 बच्चा ढूंढने में कितना पैसा हुआ? 1 लाख रुपया। तो करो प्रोग्राम, ले जा 50%, दे दे मुझे 50%, 1000 × 100 बच्चे ढूंढना है, तुम्हारा रेमेडी है। तब तक तुम गांव के पास जाओगे, 100 गांव में घूमोगे, 100 गांव हर एक गांव से एक बच्चा निकालना है, तो अपने तुम्हारे पास स्किल भी है, बोलने का कैपेसिटी है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, बंगाली आदमी बहुत चला, हमारे यहाँ बोलते हैं कि पूरा भारत आज में है और बंगाल का सोच 10 साल आगे तक है। अभी उल्टा हो गया? नहीं, तुम बंगाल लोगों को तुम जानता नहीं, वो बहुत बहुत इंटेलेक्चुअली अंदर से, बाहर दिखता नहीं है। ठीक है पॉलिटिकल सिनेरियो से तुम बोल रहे हो, मैं इंटेलेक्चुअल सिनेरियो से बोल रहा हूँ, बंगाल बंगाल है,
बंगाल को छोटा कभी नहीं सोचना। छुपे हुए बड़े सारे रुस्तम पड़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी बुढ़ो बांग्लार मानुष, भालो मानुष, दारुण ज्ञान, किंतु की है राजनीतिर अभिसंधि हेतु सब चुपचाप नहीं बोलते, मुंह खोलेंगे फंसेंगे, मैंने पता है। अभी देखो राजनीति का उथल पुथल चल रहा है, हम दो वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा वायरल होगा, वायरल होगा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन लग जाएगा। हाँ तो नहीं बनाते हैं, लिटिगेशन में नहीं पड़ना है अपने को, लंबा लंबा रेस में चलना है, छोटे रेस नहीं चलना है, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। बरसाती मेंढक नहीं, बरसाती हुआ बहुत मेंढक निकले, बाद में एक भी नहीं, आराम से चलो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दिस इज वन काइंड ऑफ रेमेडी। जब तुम 100 आदमी का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे तो तुम भी उस ट्रेनिंग में घुसोगे कि नहीं? अच्छा हाँ, वो बात है। तुम भी ऐसे ऐसे ग्रुप सेटिंग ट्रेनिंग जब होगा तुम उसके अंदर घुसोगे कि नहीं? जब ट्रेनिंग होगा तो क्या होगा? देखो जिसका एकादश बृहस्पति, एकादश शनि, एकादश में कोई एक भी प्लैनेट बैठा है तो कुंडली क्या बोल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा स्टॉक मटेरियल्स पड़ा है। 11 और 5 कुछ हद तक 9 में उतना नहीं, 9 स्थान विशेष में, लेकिन ऐसे अगर बैठा है तो क्या कहेंगे कि इसके अंदर बहुत, देखो इसके अंदर बोल के नहीं, भगवान सबके अंदर कुछ ना कुछ दिया है। सुप्ताति सुप्त, सुखमाति सुखम, दबे हुए, पड़े हुए, सोते हुए, बड़े सारे गुण, धर्म, स्वभाव, स्किल, क्वालिटी सब भरा के रखा है। ऐसा किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया। बेवकूफ कौन बनाया? लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, स्कूल कॉलेज को एजुकेशन, अंग्रेजों का शिक्षा पद्धति, तुम्हारा ज्ञान को उत्पन्न होने नहीं देता है, उसको दबाता है, रोंदता है, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ने नहीं देता। मिट्टी के नीचे हर जगह में पानी है, कहीं पर 100 फुट नीचे है, कहीं 50 फुट नीचे है, कहीं 500 फुट नीचे है, कहीं 700 फुट नीचे है। इवन इफ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि धरती के ऊपर जितना बड़ा समुंदर है उससे ज्यादा तो मिट्टी के नीचे पानी है, बड़े बड़े समुंदर हैं बोल रहे हैं, उधर क्या क्या लोग अभी सब वो लोग मशीन के द्वारा देखा है। तो एक बात बताओ, अगर धरती के नीचे पानी है तो इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है, स्किल्ड नहीं है, अथर्व है, महामूर्ख पनौती है, फटा टूटा माटी है, तब पर भी कुछ ना कुछ तो है। तुम पनौती नाथ देखा नहीं है, यहां पर था एक, उसको इतना बड़ा लोहा का साबल सरिया दे दो, ऐसे पकड़ेगा तो 5 दिन में फट जाएगा। नया ब्रांड साइकिल खरीद के दे दो, आधा घंटा चला के आएगा, आके टूट गया होगा। जिसके घर में खाना खाया, जो खाना को देखा तुम खाएगा तो पेट दर्द देगा। तुम्हारे शरीर में एक बार हाथ रख दिया तो तेरा शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी निकल जाएगा। पनौती नाथ सारे पाप ग्रह फुल पावर में, सारे पाप ग्रह फुल पावर में। महाबेवकूफ, ये गज को बचाना है, ये मिट्टी काटना है, वो क्या करेगा बताओ? कालिदास सब काट कूट के फेंक देगा। यहां पर है, ये सामने है, उससे बड़ा पनौती तो देखा ही नहीं, उसका बाप ने उसको बंद करके रखा है, छोड़ता नहीं। खाने पीने का तो कोई मतलब नहीं है, अंडा कच्चा ही भात के साथ खा देगा, कोई टेस्ट का मूल्य नहीं, पशु से भी हानिहीन। ब्रेड लाया, आग में दिखा दिया, भात के साथ चौपटा और खा दिया, क्या टेस्ट है क्या नहीं टेस्ट है, इतना जड़ा बुद्धि संपन्न तुम, उससे और ज्यादा पनौती ढूंढ रहे हो। लेकिन भगवान देखो उसके पास भी स्किल दिया है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं? हर एक पत्थर के अंदर माइक्रो लेवल सोन लोहा रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारे इस एरिया में कल्टा टेंसा बरसुआ, नेट में मारो कल्टा टेंसा बरसुआ सुंदरगढ़ बोणई सब डिविजन, ये माइंस एरिया है।
तुम जिस जगह में मूत रहे हो ना, मुरुम पत्थर को भी निकालोगे तो वहां मेटल रहे, लोहा मिले। हम लोग लोहा क्षेत्र का है, अरब अरब खरब खरब टन का लोहा, बड़े बड़े खड़े खादान, नेट में ढूंढो ना जाके, बहुत बड़ा बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोहे का माइंस हमारे पास। तो यहां तो हर जगह में लोहा, आदमी को भी फाड़ दोगे जला दोगे ना, वहां से भी लोहा निकलेगा, निकलता क्यों नहीं है? कैसे निकलता है? राउरकेला स्टील प्लांट है, वहां पर बड़े बड़े SMS स्टील मेल्टिंग शॉप, ब्लास्ट फर्नेस, स्मेल्टिंग प्लांट, मेल्टिंग प्लांट, फ्रोजन प्लांट, सिंटरिंग प्लांट, ये जितना प्लांट का नाम लिया, ये पत्थर से लोहा निकलने का सीरीज वाला प्लांट है। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस में आके लोहा को मेल्ट किया जाता है, तो वहां क्या होता है, पानी वाला लोहा लाभाजिस, लेकिन वो लोहा नहीं है, पिग आयरन है, उसको मारोगे टूट जाएगा। फिर उसको लाते हैं SMS2 में किया जाता है, 18,000 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड में उसको उबाला जाएगा, बड़े बड़े हांडी में, मटका में। वो हांडी ये हमारा घर से 3 गुना बड़ा होगा, 100 बॉयलर टाइप, बॉयलर का बाप, वो हांडी घूमने वाला रहता है। उस हांडी में लाल वाला लोहा को डाल के ऑक्सीजन में ब्लो किया जाता है, जब ऑक्सीजन प्रेशर आग के ऊपर जब चलेगा तो क्या होगा, और भी ज्यादा आग होगा, तो दैट इज नियर अबाउट 32 क्यूबिक मीटर, ऐसा कुछ है, जो सबसे आदमी को सामने रखो तो छेद देगा वो, इतना ऑक्सीजन, हैवी प्रेशर डाल के ब्लो करते हैं। तो वहां से डिसलैगिंग होता है, प्योर स्टील रहता है, इसीलिए उसका नाम SMS, ठीक है, स्टील मेल्टिंग शॉप। उस स्टील को लेकर फिर HS बनाया जाता है, हाई स्पीड मिल, ऐसा लोहा जो लोहे को काट दे, एक लोहा रखो और HS में मारो, कट जाएगा, फिर उसको लेके SS बनता है, स्पेशल स्टील, स्टेनलेस स्टील, फिर उसको लेके SPP बनता है, स्पेशल प्लेट प्लांट, जो टैंक वगैरह है ना देखना, वहाँ चित्र लगा है, तो वहाँ पर सारे आर्मी के कमांडो सब, वो सीक्रेट फैक्ट्री है वो, नॉट अलाउड। मैं अपने जिंदगी में 28 साल में 4 बार गया हूँ विद यू पेपर। वो ऐसा लोहा है कि उसको अगर तोप और बंदूक का भी गोली मारोगे तो छिलेगा नहीं, दैट इज SPP स्पेशल प्लेट प्लांट। कैसे बना? फिर उसको लेके और टेम्परेचर किया जाएगा, डक्टिलिटी बढ़ाया जाएगा, गर्म करो, मारो, जलाओ फर्नेस में, और हीट करो, और हीट करो, और एडिशनल सब्सट्रक्शन करो, और केमिकल डाल। तो ऐसे ही तुम एक लोहा का पत्थर हो, मेल्टिंग का जरूरत है। तुमको अभी तक फर्नेस में पड़ा नहीं, स्मेल्टिंग हुआ नहीं, फर्जन हुआ नहीं, तुमको रोस्टिंग हुआ नहीं, हीटिंग हुआ नहीं, SMS में गया नहीं, तुम अभी मेरे फर्नेस में इन किए, अभी तुमको धोएंगे पीटे, जो शनि बाबा करता है, शनि बाबा ही साबुन पीटेगा, मारेगा, धोएगा, गर्म पानी में डालेगा, फिर लाके आग में डालेगा, शनि में सूर्य महादशा में, फिर थोड़ा ठंडा पानी करेगा चंद्र महादशा में, फिर मंगल में लेके हॉट वाटर में टेम्परिंग करेगा, फिर वो तुमको लेके बॉइलिंग करेगा, ऑक्सीजन ब्लो करेगा, ही तेरे अंदर का सारा स्लाग कचड़ा डॉस्ट मरमेड मैटर निकल जाएगा, 7.5 लगा देगा शनि महादशा लगा देगा, तुम साफ सुथरा मस्त गोल्ड सॉलिड बम अच्छा हो जाए। फिर तुम्हारे अंदर जो पड़ा पानी, ज्ञान, स्किल विकसित, ये सिनेमा है सर, ये सारे साथी और कुछ नहीं। तो इस प्रोसेस में कष्ट होगा ना भाई, तो तुम जब करने करने जाओगे तो तुमको भी ज्ञान हो जाएगा, तेरे अंदर भी ब्लोइंग होगा, तेरे अंदर भी बोरिंग करेंगे, मट्टी खोदेंगे, घिर, फिर तेल निकलेगा, पानी निकलेगा, अभी नहीं निकल रहा, अभी तुम भद्दा आदमी है, बोलते हो मेरे को 5 रुपया किलो चावल, 1 रुपया चावल, 5 रुपया का भात गवर्नमेंट वाला दे दो, बिना मेहनत का कहीं नौकरी करें, हमको 15,000, 2,000, 20,000 पेमेंट दे दो, करेगा तो बोलो अभी तैयार है नौकरी मेरे पास, अभी 15,000 खाना पीना फ्री, 1 किलो दूध देसी गाय, अभी नौकरी रेडी है, जाओ जिंदगी भर नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ, वहीं पर रहो। मैं नौकर चाकर कभी नहीं रखा, मैं बोलता हूँ पार्टनर से, लॉस तेरा भी मेरा भी, फायदा तेरा भी मेरा भी, दिमाग मैं दूंगा, काम तू करेगा, उससे आगे का सोच नहीं सकता, सोचता है मेरे पास इमीडिएट जॉब है, जा नौकरी कर, पक्का
पक्का गारंटी के साथ नौकरी, तू उनसे मेरा काम नहीं। तो अभी बोलोगे रेमेडी बता दो, पूजा पाठ जब तक पत्थर मूर्ति, वो तो तुम पहना है, इतना सारा पत्थर झुला के आया है और क्या, बाकी उंगली भी पत्थर डाल दूं, पूजा पाठ तुम अपना जब क्या कर रहे और क्या जरूरी, नहीं तो हुआ, अब रेमेडी कर, ये रेमेडी के अनुसार चल, काम बनेगा। ठीक है, जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान हमें प्रार्थना हमारा सुनते हैं, जब दूसरे को आगे बढ़ाएंगे जो पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं प्यासी धरती को पानी, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। तुम किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें नौकरी दे देंगे आ जाओ, नहीं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सक्सेस होगा, पास होगा, अच्छा करेगा, तुमको नौकरी देंगे या फिर तुम अपने आप कमा लेगा, दोनों रास्ते हैं। तो जितने सारे बेकार बेरोजगार अनाज का दुश्मन धरती का बोझ ताश खेलने वाला कुढ़िया आलसी कामचोर ठग, ये तो जनरली हर जगह में मिलता है, बाप का खा के घोड़े के आगे नाचते हैं, बाप का खा के घोड़े के आगे नाचते हैं, अनाज का दुश्मन धरती का बोझ तुम्हारे अवेलेबल है, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे वो लोग अपने गांव बाड़ी में बैठ के बाप माँ का खा के। लेकिन वहां जाओगे तो कुछ बच्चों के अंदर ये इच्छा रहेगा कि हमें कुछ करना है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालोगे, और जिसको करना है वो अपना घर में चावल दाल रोटी खाता है कि नहीं खाता है, तो बोलना चावल दाल रोटी धर के चल, पकड़ ताल चावल दाल रोटी, थोड़ा सा लकड़ी पकड़, वहां खाना वाना बनाएगा आचार्य संजय, ट्रेनिंग देगा, पैसा नहीं मांग रहा है आचार्य संजय, सोशल सर्विस, 1000 रुपया देना पड़ेगा, व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल एसी तो इलेक्ट्रिक व्यवस्था वो देना पड़ेगा, क्योंकि तो बाकी भी मेरे स्टाफ आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, अकेले संजय पंडा कहां मरेगा, तो उनको तो जाने आने का गाड़ी का भाड़ा तो देना पड़ेगा, सबका कुंडली देख दूंगा, इस ट्रेनिंग में तुम आओगे कुंडली भी देख देंगे, जो कुंडली देखने का सबसे ज्यादा मेरा कॉस्ट है आपको माफ हो जाएगा, ये मेरा धर्मादा है, इस ट्रेनिंग में आते हो कुंडली देख देंगे, एक महीना रगड़ा ही होगा तुमको, जितने युवक हो नौजुवक हो बेकार बेरोजगार कामचोर ठग आलसी लोग हो, और कुंडली के अनुसार तुम्हारा रेमेडी करा देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, जप तप करा देंगे, तो उसके लिए भी खर्चा है, तो उसके लिए 1-2 हजार और पकड़ ले, नहीं है ठीक है उसका भी व्यवस्था कर देंगे, स्पॉन्सरशिप करवा देंगे, लेकिन खाना पीना अपने हाथ से लेके आना, पंडित का मत खाओ, हाँ माछ मछली अंडा नॉट अलाउड, दारू वगैरह नॉट अलाउड, दारू वगैरह खाया तो 1 लाख पीछे मार के भगा दूंगा, रहो 1 महीना ट्रेनिंग करो, उसमें से सिलेक्शन हुआ तो तुमको हम चुनेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर अभी गर्दा लोहा पत्थर बहुत है, फिल्टर वाला अच्छा लड़का निकालेंगे, अच्छा लड़का को नौकरी देने में प्रॉब्लम है, बहुत लोग तैयार है, तुम इस एरिया में क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाओ, बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी लोग, एक आदमी नहीं है जो उनको लेके दवाई दे, उनका बेटा बेटी अमेरिका जर्मन तुलैंड मुलैंड हरण बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास में पड़ा है, बूढ़ा बूढ़ी मरने का इंतजार में है, सपोर्ट सर्विस का सेंटर उनको कोई नहीं है, मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े सेक्टर्स स्किल्डफुल आदमी चाहते हैं, जब मैं तुम्हारा स्किल बढ़ा दूंगा तो वो लोग तो ऐसे ही खींच के ले जाएंगे तुमको, कौन नहीं चाहेगा, एक कामगार आदमी कौन नहीं चाहेगा, तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा सारा काम कर दे, मैं नहीं चाहूंगा, मेरे पास ऐसा आदमी हो जो मेरा सारा यूट्यूब का संभाल दे, मेरा मेरा दो दो वेबसाइट संभाल दे, मेरा प्रोजेक्ट संभाल दे, मेरा जो लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने के लिए उनको संभाल दे, भाई 50,000 ले, हम जो भी लोग यूरिया फॉस्फेट ग्रोमो नाइट्रेट टी20 डीडी गामैक्सिन थीमेट जहर खा रहे हैं छोटा सा जगह में, अगर उसके पास स्किल हो गया, मेरा महीना का अगर 10,000 रुपया सब्जी खा रहा हूँ इनकम करके दे दिया, तो अगर वो खेती किया तो 5 आदमी को और बेकार 50,000 रुपये नहीं हो जाएगा, नहीं किया तो डाइवर्ट हो गया तो नहीं मिले, आज तुम क्यों क्यों ना पाए, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट है, दो नंबर का आदमी हो, जन्मांक दो तो माइंड फ्रिकल रहे चंद्रमा जैसे चंद्र, जब तुम ध्यान करने लगोगे योग करने लगोगे शांति होने लगोगे
एकाग्र होने लगोगे, स्टेबल होने लगोगे, बैलेंस होने लगोगे, तो तुम्हारे जीवन में रास्ता दिखाई देगा। आज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आज यहाँ पर रोते बिलकते पहुँच गए उतना दूर से। मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, हम अंधेरा है गुरु जी, हम क्या बोला तुम, अशुभ है गुरु जी, पनौती है गुरु जी, क्या बोला, हतभाग्य है गुरु जी, दुर्भाग्य है गुरु जी। नहीं, फिर तो सारा गीता झूठ हो गया, एडगर केसी का फिलोसफी झूठ हो गया। एडगर केसी क्या लिख रहे हैं, केसी के बहुत बड़े फिलोसोफर, एवरी पर्सन इज ए नोबल पर्सन, ही कम टू दिस वर्ल्ड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। कोई बेकारी और बेगाड़ी खटने नहीं आया यहां, हर एक आदमी के अंदर नोबिलिटी है। बट हमारा एजुकेशन, हमारा देश इतना दुर्भाग्यपूर्ण और हीन है, हमारा शिक्षा पद्धति तो हमें हमारे अंदर को इन्वेंट होने नहीं दे रहा है। और हमारा गुरुकुल का काम क्या है, मेरा जो ये आध्यात्मिक गुरुकुल, स्पिरिचुअल गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, शिक्षा विकास गुरुकुल, ये जो हम लोग इतना सारा गुरुकुल चलाते हैं, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ हमारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हारे अंदर का अंतर्निहित गुणावली का विकास। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूं, देख तू 5 घंटा मत पढ़ चलेगा, लेकिन 1 घंटा या कुंदेन्दु नील सरस्वती का साधना कर, पक्का पढ़ाई हो जाएगा। अभी वो आया था ना, बोला 1 घंटा सुंदराकांड करेंगे तो आईएएस का पढ़ाई कब करेंगे, बोला मर पढ़ पढ़ के मर। मैं बोला तुम्हारा गुरु आईएएस ओएस आईपीएस वाले बोलते हैं ना, 8-8 घंटा पढ़ेगा तो आईएएस पाएगा। मैं बोलता हूं 1 घंटा भी पढ़ेगा तो आ जाएगा, बशर्ते यू मस्ट प्रैक्टिस द नील सरस्वती साधना। कालिदास अगर महापंडित हो सकता है तो तू भी हो सकता है। एक्चुअली हम लोग का दिमाग में एक सेट होगा कि हम आईएएस बनने के लिए 8-10 घंटा पढ़ेंगे तभी बनेंगे, ये एक्चुअली मेंटल में सेट है ना। हाँ। तो हमको लग रहा है कि हम उससे 1 घंटा कम होगा तो मेरा तो दिन ही बर्बाद, ऐसा एक मेंटल सेटअप हो गया हम लोग का। तुम गरीब है, पैसा नहीं है, भिकमंगा है, दरिद्र है, ऋण में पड़ा है, 500 कैंप्स में बना लिया, मात्र 1 महीना का स्थिर लक्ष्मी साधना में आओ, वैभव लक्ष्मी साधना में आओ, गजलक्ष्मी साधना में आओ, स्पेशल लक्ष्मी साधना ट्रेनिंग होता है हम लोगों का, श्री यंत्र साधना में आओ, सब करा दूंगा तुम्हें। 1 महीना का साधना सीखो, 1 साल करके देखो, मैक्सिमम 90 डेज में तुमको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 8 घंटा का लेबर करके महीना का 15,000, 2,000, 20,000, 50,000 कमाता है, 1 घंटा लक्ष्मी साधना में दे। अगर तेरे पास जिंदगी में पैसा का शॉर्टेज हो जाए तो मैं एक मूंछ काटने के लिए तैयार हूँ, मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। तुम्हारे पास एग्जाम्पल यहाँ खड़ा है, थ्योरी किताब भाषण देने वाला नहीं, तुम गरीब है, पैसा नहीं है, दरिद्रता है, ऋण में पड़े हो, धनहानी है, लक्ष्मी माई तो आशीर्वाद दी है कि तुम जो मुझे बुलाएगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, बस अब से नारायण का भक्त होना पड़ेगा। लक्ष्मी कहां रहती है, नारायण के पास, लक्ष्मी बसती नारायण पयरे। अब बोलो नारायण को पकड़ो, नारायण कहां है जगन्नाथ मंदिर में, विष्णु मंदिर में, ठुल्लू, नारायण का है नर रूपी नारायण, हम लोग मनुष्य में ही है। नारायण को नारद पूछ रहा है, भगवान कहाँ रहते हो, कितना बाय कितना क्वार्टर में रहते हो, बी ब्लॉक 36 नंबर क्वार्टर, कितना नंबर सेक्टर, शाम बाजारे अच्छी, बहु बाजारे अच्छी, कुथाए तुम्हार बाड़ी। नारायण बोलते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे न च गणा मुनिगणे हृदये न च, बोले क्या बोला, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे न च मुनिगण हृदये न च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी बड़े बड़े एक टांग में खड़ा होके, खड़े से खड़े देव महाराज, खड़ा सिंह महाराज तपस्वी के पास भी नहीं रहता, थोतले मतलब के लिए मेरे को तपस्या कर रहे हैं। अरे कहाँ रहते हो पूछा, कहाँ नहीं रहते हो बोल रहे हो। नारायण भगवान शिव भगवान होते तो समझता कि गंजा उंजा मार लिया, भांग घोट के पी लिया, नारायण भगवान ये सब तो बीड़ी भी नहीं पीते, उल्टा सीधा क्या बोल रहे हो। अरे सुन तो नारद, बता रहा हूँ, बोला सुन, कहाँ रहता हूँ,
यत्र मत भक्त्या गायन्ते वादयन्ते नृत्यन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे लिए गाते बजाते आनंद करते खुश होते हंसते नाचते गाते। इसलिए बोलते हैं जिसका मुंह लटका हुआ उतरा हुआ सूखा हुआ फुसड़ू फुसड़ू भगवान वहां नहीं जाते। तुम भी नहीं जाओगे, बोरिंग आदमी है यार, आ जाएंगे दुख सुनाएगा। ये शुरू हो गया एकदम कंप्लेन, मास्टर कंप्लेन, ऐसा हुआ कैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोला था नहीं हुआ, ऐसा ऐसा तो था ही नहीं। नेगेटिव आदमी आधा पानी तो आधा ग्लास है नहीं, आधा है देख ना, गंदा कुत्ता कचरा पोख पोखा हो गया है। अबे दांत देखना कितना सुंदर है, काटेगा एक बार ना तो आधा किलो मांस तेरा पाछू से ले लेगा। तो वहां भगवान नहीं रहता। कंसेप्ट समझ रहा है रेमेडीज का?